जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी की हाँ, जय बोले बाबा। सर आई एम फ्रॉम मुंबई सर। हाँ जी सर, मेरे को मतलब ना एक डाउट था। हाँ जी, मैं मतलब हम दो लोग हैं, मैं दिल्ली से, मेरी जम्मू के लिए ट्रेन है, मतलब मैं इधर से पहले दिल्ली आऊंगा मुंबई से। उधर दो दिन रह के मेरा थोड़ा उधर शॉपिंग ये वो करके सब मैं जम्मू के लिए आ रहा हूँ। तो मेरा जो 16 तारीख का मतलब डेट है दर्शन का, मतलब परमिट है मेरे पास 16 तारीख का, तो मैं 14 को सुबह 6 बजे जम्मू पहुंच रहा हूँ। तो मुझे बस जो है भगवती नगर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे 14 को बस मिल सकती है? नहीं, वो तो नहीं मिलेंगी, वो सुबह निकल जाती है 4-5 बजे, वो नहीं मिलेंगी। जम्मू से मिल जाएंगी आपको, शेयरिंग गाड़ी या जो भी है। उसका मतलब रेंट फिर भी क्या होगा? मतलब सर रेंट अब आपको मिलेगा क्या उस पर निर्भर करता है। तो मतलब 14 को तो मेरे को मिलने से रही फिर। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा आपको, ये नहीं कहा नहीं मिलेगी, कहा मैंने नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, भगवती नगर से, मतलब क्या है ना मेरा तो भगवती नगर से नहीं मिलेगी, बाकी जम्मू से आपको मिल जाएगी। आपने पूछा रेंट क्या रहेगा, तो मैं कहूँ निर्भर करता है आपको क्या मिलता है। अगर आपको शेयरिंग गाड़ी मिलती है ना, तो उनकी कौन सी गाड़ी है उसका रेंट अलग होगा, 1200 सीट पर 1000 रुपए सीट ऐसे है, कितनी भीड़ है, गाड़ी वहां पे है भी कि नहीं है, या गाड़ी आ रही है यात्री ज्यादा खड़े हैं, गाड़ी पहले बुक हो जा रही है, तो ये हालात हैं। इन हालातों के वो मतलब नहीं कह सकते हैं, एन एवरेज 700 रुपए से लेके ऊपर कितना भी जा सकता है, मिनिमम 700 रुपए तो रुकता ही है जम्मू से। तो 14 तारीख को समझो मैं रुक गया, और 15 को फिर मेरे को मिल सकती है क्योंकि 16 को तो परमिट है मेरा। आप 14 को रुक गए भगवती नगर में तो उस समय सस्ती लाइन लगती है, बस का टिकट बुक करा लीजिएगा, मिल जाएगी, हो जाएगा ना मतलब 15 तक, क्योंकि मेरा कैसे 16 का परमिट है तो फिर वो मिस नहीं होना चाहिए इसलिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछला एक्सपीरियंस है ना। हाँ, है, हमें तो खुद ही पता नहीं है कि हम 2 तारीख को पहलगांव पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो आपको मैं क्या बताऊं। मेरा बालटाल से, बालटाल या पहलगांव एग्जांपल बता रहा हूं आपको ना। हाँ, आर्मी बीच में कहां रोक लेगी, बारिश पड़ जाएगी, वहां क्या हालात होंगे। लेकिन आपके हिसाब से सही डेट पे आ रहा हूं ना मैं, मतलब 13 को मैं बैठ रहा हूं दिल्ली से, 14 को मैं पहुंच रहा हूं सुबह, वो भी 6 बजे कुछ पहुंच रहा हूं। नहीं डेट तो सारी सही है सर, डेट से क्या मतलब, कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं, मतलब कैसे एकदम कट टू कट भी नहीं पहुंच रहा हूँ, जरा 2-3 दिन मैंने पहले बुक कर लिया, मतलब कैसे एक आगे पीछे दिन हो जाता है कभी कभी, मतलब कार नहीं रोक ले वो, इसलिए मैंने 14 को पहुंच रहा हूँ। आप जम्मू पहुंच रहे हैं बिल्कुल बेस्ट टाइम पे पहुंच रहे हैं। अगर आपको आर्मी रोकेगी तो उसके लिए आपको शाइन बोर्ड यात्रा करने के लिए मना नहीं कर सकता है। बराबर, क्योंकि शाइन बोर्ड के सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि पीछे लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गई, या आर्मी ने रोक लिया, नेचुरल डिजास्टर का, उसका सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और आज तक ना 1 या 2 दिन पहले कोई पहुंचा भी है तो उसको रोका नहीं गया है, कोई जेन्युइन रीजन। हम भी जब भी रुके हैं, हमने भी कम से कम 10-12 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो 4-5 बारी हम भी नहीं पहुंच पाए टाइम पे, तो हमें नेक्स्ट डे छोड़ा गया वहां से। हाँ मतलब अगर यात्री उस दिन कम रहे तो वो छोड़ सकते हैं कि चलो 17 को पहुंचे, या कुछ वजह से किस मतलब वैलिड रीजन की वजह से तो वो छोड़ सकते हैं ना। ये कम कहां से आ गया, नई नई चीजें मत ऐड करो, कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूँ कि बारिश है या रोका गया पीछे, शाइन बोर्ड के पास इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो यात्री आ रहे हैं पीछे से, इनको कल रोक दिया गया था पीछे रामबाण में या कहीं और। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने रोका तो ऐसा। हाँ तो कम की बात नहीं है इसमें, वो आपको छोड़ेंगे उस दिन। अच्छा ठीक है फिर सर, ठीक है। अब आप दिल्ली में क्या शॉपिंग करने आ रहे हैं? दिल्ली में थोड़ा मुझे ट्रेकिंग के इक्विपमेंट लेने के लिए, उधर से मैं कैसे केदारनाथ भी जा रहा हूँ। आपको शूज तो नहीं लेने? हाँ शूज लेने। हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती करने आ रहे हैं, इसलिए मैं समझ गया आपके दिल की बात ना। हाँ आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, अब मेरी बात सुनिए, जूते आप अभी से ले लीजिए और उनको पहन के शुरू कर दीजिए चलना। अगर आप नए जूते लेंगे तो आप यात्रा में बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ वो मैं पहले भी मतलब थोड़ा समझ गया था, लेकिन कैसे मैं भी सोचा था कि डेली का शूज पहनता ही हूँ तो इतना कुछ ये नहीं होगा, लेकिन ये भी सही आपका कि मतलब इधर से ही लेके फिर उसको मंथ भर चलाओ तो। सर नया जूता जो होता है ना, नया जूता आपका पैर काटेगा तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप अभी जूता ले लीजिए। बाकी हाँ। समझ गया, दिल्ली आप आ रहे हैं शॉपिंग करने, कुछ और लेना होगा तो अलग चीज है, पर जूता आपको बहुत पहले लेके उसको पहन के अपने पैर में सेट कर लेना चाहिए, ठीक है? हाँ वो बराबर है, मतलब एक लगेगा नहीं इधर उधर कहीं, समझ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना वाटरप्रूफ और ग्रिप वाला भी शूज चाहिए, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ज्यादातर मतलब मुंबई में होते हैं, लेकिन वो उस तरह के जो मिलते हैं ना डेली वेली साइड में पूरा ट्रेकिंग की तरफ, मतलब जो
आप समझ सकते हो वाटर प्रूफ ये वो, तो डीकैथलॉन है, डीकैथलॉन उसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फिर मैं एक महीना पहले ले लेता हूँ, फिर मतलब अभी दस मिनट अपना वॉक करना शुरू किया ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वॉक हम सर डेली करते हैं 12-13 किलोमीटर का। जूते लेंगे, जो जो जूते लेंगे उनको पहन के करनी है वॉक। हाँ हाँ चलेगा सर, बाकी रेनकोट और बैटरी मतलब जो टॉर्च रहती है हेडलैम्प ये वो लिया तो चलेगा ना? वो लिया तो चलेगा मतलब? मतलब जो रेनकोट ये वो रहेगा वो हेडलैम्प ये वो तो ले सकते ना, वो ऐसा कुछ लेना ही है आपको? अच्छा वो तो लेना ही है, उसके बिना यात्रा कैसे करेंगे आप? बारिश वारिश होती है क्या कभी भी? अरे बाबा जी पता है आपको बारिश कब हो सकती है? किसी को नहीं पता आज तक तो। अच्छा प्रभु की माया, कभी धूप कभी छाया है ना। नहीं वो समझ सकता, मेरा कैसा मैं जितना कम हो सके उतना सामान लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 3 ट्रेकिंग है ना पूरे, मतलब अमरनाथ और उसके बाद तुरंत वैष्णो देवी और उधर से ही केदारनाथ। रेनकोट और टॉर्च तो आपको हजार काम आएगी ना? हाँ वो हेडलैम्प मतलब हेड टॉर्च है ही मेरे पास, हेड को ही रहती है, हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी रेनकोट क्या मतलब नॉर्मली सीधा साधा भी लिया एक ढकने के लिए तो काफी रहेगा ना? वो आपकी इच्छा सर, आपको ठंड कितनी लगती है, बारिश में भीगने के बाद आप कितने परेशान होंगे, वो आपकी इच्छा है। अच्छा अच्छा समझ गया प्रभु। आप तरपाल भी ले सकते हैं बचने के लिए बारिश से, लेकिन बाई चांस तरपाल उड़ गया या भीग गए या तरपाल फट गया तो उसका ऑप्शन क्या है? तो रेनकोट तो 400 रुपए का भी आता है, और बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो तरपाल और पन्नी लेके भी यात्रा कर लेते हैं, वो प्रभु जी की कृपा होती है। ठीक है, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।